हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको जो 7 तार का जो टाइमर होता है, ठीक है दोस्तों, जो अक्सर जो है हमारे ओनिडा लिलीपुट हुआ या बीपील की वॉशिंग मशीन हुआ उसके अंदर जो है ये यूज़ में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका ओरिजिनल टाइमर है जिसकी वायरिंग आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए दोस्तों, हमारे पास ये बीपील की वॉशिंग मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर ये 7 तार का जो टाइमर यूज़ में लिया जाता है, इसकी आज आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब चीज़ें इसके अंदर बताता हूँ। कौन सा तार कहाँ लगता है, बजर का कहाँ लगता है, सेलेक्टर का स्विच सोरो तार कहाँ लगता है, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, ये टाइमर वाला हिस्सा होता है, जो वायरिंग वाला हिस्सा होता है दोस्तों, वो आपको अपनी तरफ ले लेना है, जैसा कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी कंप्लीट वायरिंग है जो कि इसके अंदर जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसका जो है टाइमर खोल लिया है क्योंकि टाइमर ख़राब है, हमें इसकी जगह जो है नया लगाना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, टाइमर के तार वाले हिस्से जो है आपको अपनी तरफ करना है, जैसा कि मैंने अपनी तरफ कर रखा है तार के हिस्से। तो जैसे दोस्तों, मैं अक्सर बताता हूँ टाइमर के बारे में कि जो राइट हैंड साइड में जो सीधे हाथ की तरफ जो सबसे पहला वायर होता है वो बजर के लिए होता है, जो सबसे छोटा वायर होता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो अभी गुलाबी कलर का वायर है वो बजर का तार है। ठीक है फ्रेंड्स, राइट हैंड साइड में करने के बाद में सबसे पहला जो तार होता है वो बजर का होता है। ये अक्सर जो है छोटा तार होता है, जो सीधे हाथ की तरफ जो सबसे छोटा तार होता है वो बजर के लिए होता है, जो अक्सर जो है गुलाबी कलर का होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, दो तार आपको नज़र आ रहे हैं, एक ग्रे कलर का है और एक ब्लैक कलर का है, ये दोनों ही फेज वायर हैं। आप मेन सप्लाई इसके अंदर देखिए दोस्तों, ब्लैक के अंदर दी हुई है। इसके अंदर मेन सप्लाई जो फेज वायर हमारे नीचे आता है वो ये ब्लैक वाला वायर है, जो कि हमारे सीधे ही आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता रहा हूँ, ये हमारा ब्लैक वायर जो सीधे ही ये देखिए दोस्तों आगे जुड़ा हुआ है, ये हमारा फेज वायर है जो कि नीचे से आ रहा है। ये हमारा ऊपर जो स्पिन का जो कट ऑफ होता है उसके अंदर जुड़ा हुआ है ब्लैक वायर फेज वायर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फेज वायर हो गया, दूसरा वायर जो हमारा फेज वायर, उसके बाद ग्रे वायर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा, ग्रे वायर है जो कि हमारा सेलेक्टर में जाता है, जो कि अंदर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप चाहे तो ग्रे वायर के अंदर भी मेन सप्लाई फेज वायर दे सकते हैं या ब्लैक के अंदर भी फेज सप्लाई दे सकते हैं, आप चाहे तो दोनों में से किसी के अंदर भी फेज दे सकते हैं। उसके बाद निकलने वाला फेज आउटपुट वो हमें जो है सेलेक्टर स्विच में जाता है, जो कि हमारे दो वायर, एक ब्लू वायर और एक रेड वायर जो दिया हुआ है हमारा सेलेक्टर है, उसको छोड़ो दोस्तों। मैं आपको दो बताता हूँ, ये जो हमारे पास दो ऑरेंज कलर और एक येलो कलर दो वायर जो आपको दोस्तों नज़र आ रहे हैं, ये हमारे जो है ये कैपेसिटर के वायर हैं, मोटर के अंदर अटैच किए हुए हैं, जो मैं आपको पीछे की तरफ बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे ऑरेंज वायर और ये येलो वायर दोनों ही वायर जो हमारे कैपेसिटर के अंदर जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि दो वायर किसके हैं तो आप कैपेसिटर में देख सकते हैं, कैपेसिटर के अंदर जो कलर कोड होता है वही हमारा कलर कोड जो इसी के अंदर होता है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कैपेसिटर के अंदर जो ऑरेंज कलर और येलो कलर आपको दिया हुआ है वही हमारा जो टाइमर के अंदर कलर कोड दिया हुआ होता है, आप उससे भी पहचान कर सकते हैं हमारा कौन सा वायर इसके अंदर लगेगा। वैसे बेसिकली मैंने बहुत सारे पीछे टाइमर के वीडियो अपलोड किए हैं, वो टाइमर को चेंज करना बताया, उसके अंदर मैंने आपको सब के अंदर बता रखा है जो सबसे लंबे वायर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तीन वायर सबसे लंबे होते हैं, एक फेज वायर और दो कैपेसिटर के वायर, सबसे लंबे वायर तीन वायर होते हैं, वही हमारे नीचे जाते हैं, उसमें से दो पास में जो वायर होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें दो आपको पास में तार टाइमर के नज़र आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पास में दो तार टाइमर के नज़र आ रहे हैं, वो हमारे जो है कैपेसिटर के वायर, उसके अलावा दो छोटे वायर जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, वो हमारे जो है सेलेक्टर स्विच के होते हैं। तो इस तरह से तीन वायर जो हमारे सेलेक्टर स्विच में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बजर में चला जाता है और एक ब्लैक वायर फेज वायर हो गया, उसके अलावा दो वायर हमारे कैपेसिटर के हो गए। इस तरह से हमारे 7 तार टाइमर की इस तरह से वायरिंग इसके अंदर पूरी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारे पास जो है तीन वायर जो है वो सेलेक्टर स्विच में जाते हैं। ठीक फ्रेंड, एक ब्लैक वायर लंबा वायर है इसके अंदर और दो, एक ऑरेंज कलर का और येलो कलर का, इस तरह से तीन वायर जो कंप्लीट इसके अंदर हमारे जो है पास में लगे हुए हैं, इस तरह से हमारे इसके अंदर जो है लगे हुए हैं। ये हमारे पास स्पिन टाइमर है दोस्तों, जो कि हमारा जुड़ा हुआ है, एक जो है पर्पल कलर का है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे सीधा ही ये यहाँ से होते हुए सीधा हमारे जो है कट ऑफ के अंदर जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, जो हमारा जो है स्पिन टाइमर कट ऑफ होता है वहाँ पर हमें जा रहा है, वहाँ से हमें इसकी सप्लाई मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा
जो है फेज वायर होता है, जो हमारा पर्पल कलर होता है वो हमारा फेज वायर था। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है वापस ग्रे कलर का वायर है जो कि सीधा ही हमारे जितने कैपेसिटर के अंदर जाता है। जो ग्रे कलर का वायर जी हमारे मोटर से सप्लाई मिलता है, कैपेसिटर के साथ जुड़ता है, इससे हमें फेज वायर ही मिलता है। न्यूट्रल वायर हमें जो कॉमन से मिल जाता है, इस तरह से इसकी जो वायरिंग होती है। अब ये देखिए दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दो, इसके अंदर जो आसमानी कलर का जो वायर इसके अंदर जुड़ा हुआ वो न्यूट्रल वायर है, वो बजर को डायरेक्ट सप्लाई देने के काम आता है। इस तरह से हमारे जो इसके अंदर कंप्लीट वायरिंग हो रखी है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आ रही है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे इसके अंदर किस तरह से वायरिंग होती है। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इसके अंदर 7 तार के अंदर हमारे पास कोई कमी पेशी है। अब यही दोस्तों आपको मैं नया टाइमर बताता हूँ जो हम इसके अंदर अटैच करने वाले हैं, लगाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये जो है नया टाइमर है। ठीक दोस्तों, जो आपको मैं इसके अंदर लगाना बताऊंगा, इसके अंदर बताऊंगा कि बजर का कौन सा होता है, मेन सप्लाई कौन सी होती है। ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये 7 तार का टाइमर है। तो टाइमर में सबसे पहले आपको दोस्तों बताऊं, इसके अंदर 3 तार सबसे लंबे होंगे दोस्तों। एक तार जो अलग होगा, दो पास पास में जो तार होते हैं ठीक दोस्तों, वो हमारे कैपेसिटर के लिए होते हैं। जो अलग से एक तार लंबा होता है वो हमारा फेज वायर होता है। अब आइए दोस्तों मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ कौन सा किसके अंदर होता है। देखिए दोस्तों मेरे हाथ में पूरी लच्छी बनी हुई है, पूरी गांठे लगी हुई वायर है। ठीक है, आपको मैं खोलता हूँ और बताता हूँ। जैसा कि मैं खोल रहा हूं तो आपको दोस्तों बता दूं, इसके अंदर 3 लंबे वायर जो सबसे होंगे वो हमारे तीनों ही वायर ढेर नीचे जाते हैं, सबसे नीचे जाते हैं, सबसे लास्ट सप्लाई में जोड़े जाते हैं। 2 वायर जो पास पास में होंगे अंदर टाइमर के अंदर से, जो पास पास में तार बाहर आते हैं वो हमारे कैपेसिटर के होते हैं। और जो एक अलग से जो लंबा वायर होता है जो बजर वाले के वायर के पास में होता है, वो हमारा जो है मेन सप्लाई फेज वायर होता है। तो ये देखिए दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला गुलाबी वायर है, राइट हैंड साइड में ही हमेशा फिक्स होता है, हर टाइमर में ही होता है। जो हमारा राइट हैंड साइड में जो हमारा गुलाबी कलर का तार ही हमारा बजर का वायर होता है। ठीक है दोस्तों, अब आती है बात दोस्तों फेज तार की। तो हम फेज किस में जोड़ें, आप चाहे तो इस ग्रे वाले में जोड़ सकते हैं और आप चाहे तो ब्लैक वाले में भी जोड़ सकते हैं। वैसे ओरिजिनल जो ब्लैक कलर का टाइमर लगा है उसके अंदर ब्लैक में फेज दिया हुआ है, लेकिन इस टाइमर के हिसाब से जो हम नए लेके आए हैं इसके अंदर जो है वो ग्रे में दिया हुआ है। आप चाहे तो दोनों में से किसी के अंदर भी फेज जोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको जो है अब एक बार टाइमर जो स्टार्ट करके बताऊँगा और आपको बताऊँगा कैसे फेज आप चाहे तो किसी के अंदर भी फेज वायर जोड़ सकते हैं। मैं आपको एक बार बताने की कोशिश कर दूँगी दोस्तों, अंदर आपको दोस्तों एकदम नज़दीक आप देखिए, इसके अंदर पहला वायर जो है बजर का है और 2 वायर जो है मेन सप्लाई है। ठीक दोस्तों, 2 जो ऑरेंज और येलो कलर का वायर वो हमारे कैपेसिटर के हैं जो सबसे लंबे वायर हैं, और 2 एक आसमानी कलर का और एक लाल कलर का जो वायर जो छोटे छोटे वायर हैं। देखिए दोस्तों मेरे हाथ में ये जो है हमारे सेलेक्टर स्विच के होते हैं। 7 तार का जो भी टाइमर होता है दोस्तों इसमें इसी तरह की जो है वायरिंग होती है, यही इसके अंदर 7 तार होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यही दोस्तों मेरे हाथ में 2 तार हैं, ब्लैक वायर और ग्रे वायर, ये 2 ही हमारे मेन सप्लाई है। आप किसी के अंदर भी फेस दे सकते हैं, जिसके अंदर आप फेस देंगे दूसरे वायर से फेस निकला। ये देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर 3 पॉइंट नजर आ रहे होंगे जहां से मेरी उंगली रुकी, 2 पॉइंट जो अलग अलग हैं, अभी इसके अंदर 2 पॉइंट अलग अलग हैं, पॉइंट जुड़े हुए नहीं हैं। अब मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं कि ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने टाइमर स्टार्ट किया, हमारे कीड़े चालू हो गए हैं, गियर चालू हो गए टाइमर के अंदर। अब हमारे देखिए दोस्तों दोनों पॉइंट जो है आपस में मिल चुके हैं। ठीक, तो एक तार के अंदर सप्लाई जाती है, दूसरे तार में से सप्लाई वापस हमारी बाहर आती है। इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो है फेज वायर किसी के अंदर भी दें हमारा टाइमर काम करेगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से आप आसानी से कोई भी तरह का टाइमर हो आप उसके अंदर इस तरह की वायरिंग कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये कंप्लीट ही समझ में आ गई है। मैंने ये बातें 2-3 बार रिपीट करके आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। तो आपको किस तरह से इसकी वायरिंग करनी है, ये लंबे वायर जो हमारा एक मेन वायर, एक 2 कैपेसिटर वायर,